महाराष्ट्र के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 26 फरवरी को वोटिंग है। पुणे के कस्बा पिंपरी चिंचवड़ की सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। साथ ही शिवसेना के शिंदे ठाकरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है। कल तक सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिनों तक सुनवाई हुई, अब 28 फरवरी से सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी शुरू करें, पर आज शरद पवार ने मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं से इनकार कर दिया। उद्धव चुनाव के मध्यावधि चुनाव होने की बात का संजय राउत ने भी समर्थन किया। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो मध्यावधि चुनाव होने की बात कही है वो तथ्यों पर आधारित है। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए गुरुवार को किए गए संबोधन में कहा कि पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में एकनाथ शिंदे समेत उनके समर्थक 16 विधायकों की विधायकी को डिस्क्वालीफाई कर दे। इससे शिंदे सरकार अल्पमत में आ जाएगी और विधानसभा के बजट सत्र के बाद महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उद्धव ठाकरे गुरुवार को फेसबुक लाइव के जरिए महाराष्ट्र में पुणे के कस्बा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और चिंचवड़ सीट से एनसीपी के उम्मीदवार के समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आप अपने चोरी किए हुए धनुष बाण को लेकर के आ जाएं, हम अपनी मशाल लेकर के आते हैं। आज कस्बा में कांग्रेस और चिंचवड़ में एनसीपी के उम्मीदवार को जीत दिलानी ही होगी। मेरा अनुमान है कि हम विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है। अगर वे अयोग्य साबित होते हैं तो राज्य में मध्यावधि चुनाव होना तय है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कोर्ट में दलील दी थी कि चूंकि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक बगावत करने के बाद एक दावा करते रहे कि वे पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, ऐसे में शिवसेना द्वारा जारी किए हुए व्हिप से वे बंधे थे, लेकिन उन्होंने व्हिप को नहीं माना, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने आज मध्यावधि चुनाव की आशंकाओं पर कहा कि फिलहाल मौजूदा सरकार को कोई खतरा नहीं है और इसके हाथ बहुत ताकत है, ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। मुझे तो महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। उद्धव ठाकरे ने यह बात किस आधार पर कही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। शरद पवार आज एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों से संवाद स्थापित करने के बाद पुणे में पत्रकारों से बात कर रहे थे। यहां सवाल उठ रहा है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे से अलग राय क्यों रखी है, क्या वे इस बात को भांप चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर संकेत पढ़ा जाए तो कल कपिल सिब्बल की दलीलों पर जवाब देते हुए सीजेआई धनंजय चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि वे अगर यह सही भी कह रहे हैं कि शिंदे सरकार का बनना अवैध है तो वो बहुमत परीक्षण की पूरी कार्रवाई तब रद्द कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा तब करते जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देकर के फ्लोर टेस्ट का सामना करते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया। मंगलवार की सुनवाई में कोर्ट ने कपिल सिब्बल से यह भी पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष की कार्रवाई पर दखल दे सकता है। कपिल सिब्बल ने पुराने केस का हवाला देते हुए हां में सर हिलाया था। फिर जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तब यानी सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से अपनी मंशा जताना चाह रहा है कि वो विधानसभा की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ऐसे में विधानसभा स्पीकर अब बदल गए हैं। अब विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले उपाध्यक्ष नरहर झिरवाल की बजाय अब के स्पीकर राहुल नार्वेकर बीजेपी के समर्थक हैं, और अगर वे ये मानकर चल रहे हैं कि शिंदे फडणवीस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसलिए पवार ने मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं से इंकार किया है। लेकिन इन सबके बीच में कई दांव पेच अभी बाकी हैं और फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।